मैं थोड़ी टफ थी। अच्छा, आपका क्या वाला? मैं थोड़ी टफ थी, बाकी सब तो अच्छा गया। रीजनिंग बहुत इजी थी। अच्छा, तो मैथ में फिर भी कितने कर दिए आपने? मैं तो मतलब सारे कर दिए, दो छोड़ दिए बस। तो काफी खुश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा। अब तो सिलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। वैसे कितने क्वेश्चंस आए? करंट अफेयर्स के मैंने तो 20 क्वेश्चंस किए, मेनली करंट से ज्यादा आया हुआ था जी। हाँ साहब। ओके, थोड़ा बताइए कैसा क्या, कितने क्वेश्चंस कर दिए आपने? 200 क्वेश्चंस मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए। मैम पेपर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। आपने भी दिया? हाँ। अच्छा था। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए? 80। हाँ 80। ओके, मैथ्स में कैसा था? मैथ्स में अच्छा था, मेनली LCM HCF से क्वेश्चंस थे और प्रॉफिट से थे, परसेंटेज से थे बस। मैथ्स में कितने क्वेश्चंस कर दिए आपने? मैथ्स मेरा वीक है, मैंने 15 अटेम्प्ट किए। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से किस में टफ आया क्वेश्चन? करंट अफेयर्स ज़्यादा आई हुई थी बेसिकली। वैसे कितने क्वेश्चंस आए? करंट अफेयर्स के मैंने तो 20 क्वेश्चंस किए, मेनली करंट से ज़्यादा आया हुआ था GS का। अच्छा, GS में करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन? नहीं, 20 टोटल 20 जी है, उससे करंट अफेयर्स से नहीं थे, बट मेनली थे। करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा था और जैसे डांस के क्वेश्चंस थे और वो कल्टीवेशन का एक क्वेश्चन था, इस सबसे रिलेटेड थे। अच्छा, करंट अफेयर्स किस साल के पूछ रहे हैं? करंट अफेयर्स 2022 के भी पूछ रहे हैं, स्कीम्स से रिलेटेड। मेनली 2022 का था और 23 का भी था एक शायद। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग अच्छी थी, काफ़ी सिंपल रीजनिंग थी। सारे क्वेश्चन? हाँ, इंग्लिश भी अच्छी थी पूरी आउट। ये आपको फर्स्ट टाइम था? नहीं, सेकंड टाइम था। सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम जब दिया था तब क्या रिजल्ट था? फर्स्ट टाइम मेरे 120 मार्क्स थे। 120 मार्क्स। ओके, तो इस बार क्या लग रहा है, हो जाएगा? होना तो चाहिए इस बार। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर? नाइस। कितने क्वेश्चन कर दिए आपने? 2 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। इजी था या हार्ड था? सही था, नॉर्मल, मॉडरेट था। बढ़िया था। सारे क्वेश्चंस कर दिया? सारे तो नहीं, फिर वो नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी वजह से सारे हम कर नहीं पाए। मैं थोड़ी टफ थी। अच्छा, आपका क्या वाला? मैं थोड़ी टफ थी, बाकी सब तो अच्छा गया। रीजनिंग बहुत इजी थी। अच्छा, तो मैथ में फिर भी कितने कर दिए आपने? मैथ में तो सारे कर दिए, दो छोड़ दिए बस। तो काफी खुश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा। अब तो सिलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। वैसे पेपर फर्स्ट टाइम दिया आपने? हाँ, फर्स्ट टाइम। ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, ग्रेजुएशन हो गया। अच्छा, तो कितना मतलब मैथ में जैसे कि आपने कहा थोड़ा टफ आया है, रीजनिंग में कैसा आया, GS में कैसा आया? रीजनिंग इजी थी, GS भी बहुत इजी था, इंग्लिश और मैथ थोड़ी हार्ड। अच्छा अच्छा, तो आपने टोटल कितने किए? टोटल दो छोड़ दिए, बाकी सारे कर दिए। तो बाकी सारे किए, उसमें क्या एक्यूरेसी रहेगी? अब वो तो मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चलेगी। गेस करके भी किए होंगे, ऐसा कितने क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आ रहा था? मैथ के नहीं आ रहे थे बहुत सारे। मैथ के नहीं आ रहे थे? बाकी आपने वो छोड़ दिया या फिर क्या? किया किया, मैथ के भी कोशिश किए करने की। टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू तो नहीं आया? नहीं, टाइम तो बहुत जल्दी भाग रहे थे, इनका भी कर ला। कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम? कैसा गया? आप साथ बस हैं? यहाँ साथ। ओके, थोड़ा बताइए कैसा क्या, कितने क्वेश्चंस कर दिए आपने? 200 क्वेश्चंस मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए। कल जैसे कि मैथ में थोड़ा सा टफ आ रहा था, मैथ में टफ था, मैथ में फिर भी नॉर्मल स्टूडेंट कर पा रहा है। हाँ। आपने कितने किया? मैंने सारे किए। सबसे ज़्यादा टफ किस में लगा आपने? मैथ में। मैथ में लगा। रीजनिंग का? GS में कैसा आ रहा है? GS को ठीक ठीक है, रीजनिंग मैथ ज़्यादा टफ। देखा था SSC के एग्जाम में GS ही टफ होता है सबसे ज़्यादा। में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन था? मैंने इतने काउंट नहीं किए वैसे तो, करंट से भी क्वेश्चंस थे इसमें कई वैसे तो। एक दो क्वेश्चन आपको याद हो? अच्छा, और स्टैटिक पोर्शन से? क्या स्टैटिक पोर्शन से कितने क्वेश्चन? स्टैटिक से भी थे क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस कर दिए भाई? 80 कर दिए। 80 कर दिए। तो अभी फिलहाल क्या कर रहा हो, मतलब तैयारी SSC कर रहा है या फिर किसी और एग्जाम? SSC की कर रहे हैं फिलहाल। तो ग्रेजुएशन हो गया? ग्रेजुएशन नहीं, अभी कहाँ हुआ है ग्रेजुएशन, अभी करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब क्या बनना है आपको आगे जाके? बड़ा आदमी है बहुत। बड़ा आदमी तो SSC में क्या बनना है, क्या पोस्ट आपको हासिल करना है? हमको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए। कौन से पोस्ट? इंस्पेक्टर पोस्ट हासिल करना है। हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए कैसे तैयारी चल रही है? सुबह शाम बस पढ़ते ही रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। सुबह शाम 24 घंटे पढ़ रहे हैं? 24 घंटे तो नहीं, दिन के 7-8 घंटे तो कम से कम पढ़ ही रहे हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन अभी कहाँ हुई है ग्रेजुएशन? CHS कर रहा है। करेगा, अभी ओपन से चल रही है। ओपन से चल रही है? इग्नो से? हाँ जी, वो इग्नो से चल रही है। ये नहीं, BSc
बीएससी कर रहे हो? हाँ जी मैम। पेपर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। आपने भी दिया? हाँ हमने दिया। क्या सर आप? पेपर अच्छा था। हाँ अच्छा था। कितने सारे? 100 क्वेश्चन कर दिए? नहीं 75। हाँ जी। और मैम आपने कितने क्वेश्चन कर दिया? नहीं नहीं। तो कैसा था? इजी था, हार्ड था, थोड़ा बताइए ना। अरे मैं यहाँ रहने दो, आप बताइए कैसा था? इजी था मतलब कल के मुकाबले में था? मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का। मैथ में कैसा आया? मैथ लगभग ठीक ठाक था। और उसमें रीजनिंग में? रीजनिंग इजी थी। जीएस में? जीएस भी ठीक ठाक थी। अच्छा जीएस में जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो कब क्या पूछ रहा है, कैसा? करंट अफेयर लगभग 4-5 साल पहले के पूछ रहा है। 4-5 साल? हाँ। इजी आ रहा है? हाँ। और स्टैटिक पर्सन से? स्टैटिक से मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन थे बस। 2 या 3 क्वेश्चन? हाँ। और बाकी करंट अफेयर? हाँ मतलब ज़्यादातर करंट अफेयर। हाँ हाँ। तो आपका ये पहली बार था? नहीं थर्ड अटैम्प्ट था ये मेरा। थर्ड अटैम्प्ट था? हाँ। तो पहले की जो अटैम्प्ट है उसमें कितने मार्क्स से रह रहा? उसमें मैं पहले दिल्ली पुलिस का दे के आई थी, उसमें मैं 5 नंबर से रह गई थी बस। पुलिस का देकर आई? हाँ। कौन सा? यूपी पुलिस? नहीं दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस? हाँ जी। आप कहाँ से हो? हरियाणा। अच्छा तो दिल्ली पुलिस कभी तैयारी कर रहे हो साथ साथ एसएससी का भी? हाँ जी।